हसनापुर के तारापुर गांव में ऊर्जा निगम ठेकेदार की शिकायत पर सीबीआई ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग के ऑडिट कमिश्नरेट के कार्यालय अधीक्षक को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया है। ठेकेदार से 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी जिसकी शिकायत ठेकेदार ने गाजियाबाद में सीबीआई के दफ्तर में की थी। इसी शिकायत पर जाल बिछाकर सीबीआई की टीम ने ऑडिट कमिश्नरेट्स के कार्यालय अधीक्षक को रंगे हाथों दबोच लिया। साथ ही देर रात सीबीआई की टीम ने आरोपित के घर कंकरखेड़ा में भी छापेमार कार्रवाई की है। क्या शिकायत थी आपकी? मेरे से रिश्वत मांगी जा रही थी। कौन था ये रिश्वत मांगने वाला? सुपरिटेंडेंट था। क्या नाम है इसका? विकास कुमार। तो क्या मामला था आपका इनसे? मेरी फर्म का ऑडिट करने का था, सर्विस टैक्स। क्या नाम है फर्म का आपकी? मैं सर संजय कुमार, पावर कंस्ट्रक्शन। अब बिजली विभाग में ठेके? बिजली। कितने समय से काम कर रहे हो बिजली विभाग में? मैं पिछले 9 साल से सर। तो अभी जो शिकायत आपने की थी, कहाँ शिकायत की थी, फिर ये कैसे पूरी कार्रवाई? मैंने गाजियाबाद की थी सीबीआई। पूरा पैसा सीबीआई नहीं दिया? तुम्हारे पास पैसा नहीं था? बस कुछ मैंने किया, कुछ उन्होंने किया। आज रंगे हाथ पकड़े? रंगे हाथ। शिकायत कितने दिन पहले की थी आपने? मैंने कल की। कल की, ठीक है। हम लोग कॉम्पिटेंट नहीं करने के लिए। ये जो प्रथम दृष्टया जो आपकी कार्रवाई है उसमें आपने क्या पाया? मेरे को आप दे देना सर, प्लीज थोड़ा सा। थैंक यू। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष व पदाधिकारियों ने 2 दिवसीय बाड़मेर जिले के विभिन्न गांवों का दौरा किया, जहां उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनकर उनकी मांगों का बाड़मेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मुरादाबाद के गांव सिरसा इनायतपुर में हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रम तीजे की खुशी में शरबत बिस्कुट आदि का आयोजन हुआ। इसमें सभी कमेटी वालों का सहयोग रहा व अल्लाह से सभी की सलामती की दुआ मांगी गई। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा माननीय जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिनमें विद्युत दरों में 12% की बढ़ोतरी को वापस लेने व एडिशनल विद्युत सिक्योरिटी जमा कराने के नोटिस तत्काल निरस्त किए जाने की मांग की है। संदीप बंसल जी की अध्यक्षता में पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ ज्ञापन दिए जा रहे हैं कि ये उद्योग धंधों की कमर तोड़ने का काम जो सरकार कर रही है इतनी मंदी के दौर में, इनको ये तुरंत वापस लेना चाहिए। और व्यापारियों को आज के टाइम में ये प्रोत्साहन देना चाहिए कि आज व्यापार सरकार जो है व्यापार के साथ है, व्यापारी के साथ है, और तुरंत उनको अपना ये निर्णय वापस लेने का काम करना चाहिए। धन्यवाद। यूपी के जहांगीराबाद के शिव कुमार अग्रवाल जनता इंटर कॉलेज में चल रही 4 दिवसीय 35वीं ताइक्वांडो प्रतियोगिता का शुक्रवार को समापन हो गया, जिसमें मुख्य अतिथि क्षेत्र के विधायक संजय शर्मा ने विजेता टीम के छात्र व छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। समापन के दिन भी चेकिंग में 2 छात्र फर्जी पकड़े गए हैं, जिनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर ये जो प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता है जो हुई है, इसमें पूरे प्रदेश भर से बच्चे आए हैं और मुझे बहुत खुशी हुई सभी बच्चों को देख करके, कितने उत्साह के साथ उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और विशेष तौर पर जो विद्यालय की टीम है, अपने प्रिंसिपल सीपी अग्रवाल जी के नेतृत्व में उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रबंधन यहाँ पर किया है। एक 3री क्लास की बच्ची ने गोल्ड मेडल जीता, मुझे देखकर बहुत खुशी हुई है। मुझे लगता है कि अब जैसे मोदी जी कहते हैं, युवाओं के हाथ में इस देश की कमान आगे आए, नए हमारे युवा इतने छोटे बच्चे कॉन्फिडेंस से भरे हुए आगे आ रहे हैं, या आने वाले दिनों में उभरते हुए भारत की और ऊँचे होते हुए भारत की तस्वीर है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। 18 मंडल हैं हमारे पूरे प्रदेश में, जिसमें से 14 ने प्रतिभाग किया है। वाराणसी मंडल ने चैंपियनशिप जीती है। क्या संदेश देना चाहती हैं आप छात्रों को? संदेश तो बड़ा साफ है, खेल कूद अभ्यास विकास, जितना खेलेंगे कूदेंगे अभ्यास करेंगे विकास होगा, और खेल के विकास से केवल खेल का विकास नहीं होता, बच्चे का चहुंमुखी और बहुमुखी विकास होता है। इससे बच्चा मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर सुदृढ़ होता है, मजबूत होता है, और वो दिन दूनी रात चौधरी चौथ के चंद्रमा की तरह अपना विकास करता है और देश का विकास करता है।
तरह की जो चल रही थी प्रतियोगिता, इसमें आपकी टीम प्रथम आई है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? वाराणसी मंडल की टीम, इसमें गाजीपुर, बनारस, चंदौली और जौनपुर जनपद समाहित है। इन जनपदों के खिलाड़ियों की सफलता का सबसे बड़ा श्रेय मैं उनके जनपद के प्रशिक्षकों को दूंगा। जनपद का एकता, उनकी मेहनत, ग्रामीण अंचल से बिलोंग करने वाले खिलाड़ियों की बेसिक स्किल्स और फिजिकल फिटनेस, ये काबिले तारीफ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिव कुमार अग्रवाल जनता इंटर कॉलेज में इसके पूर्व सन 2017-18 सत्र में भी वाराणसी जनपद प्रथम स्थान पर आई थी। इसके पश्चात फैजाबाद मंडल में आयोजित 64वीं माध्यमिक शिक्षा विभाग की ताइक्वांडो प्रतियोगिता में भी प्रथम स्थान, और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बताना चाहूँगा कि आज की प्रतियोगिता अर्थात 65वीं माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतियोगिता में भी प्रथम स्थान आए। क्या नाम आपका? मेरा नाम अमित कुमार सिंह है, मैं वाराणसी मंडल टीम का कोच हूँ। खबर जालौन से है, जहां एटा के हाजीपुरा में बुढ़वा मंगल के पर्व पर रामायण का पाठ व हवन पूजन कर भंडारे के लिए बेतवा नदी में टापू पर स्थित हनुमान मंदिर गए 19 श्रद्धालुओं की जान खतरे में आ गई है। शाम को नदी में अचानक पानी बढ़ने से ये सभी वहां फंस गए। मंगलवार शाम 3 बजे युवकों ने वीडियो बनाकर वायरल किया तो प्रशासन ने लखनऊ से NDRF और झांसी से एक कंपनी PIC बुलाकर उनका सफल रेस्क्यू कराकर सभी को टापू से बाहर निकलवाया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग जालौन के DM, SP और सांसद खुद कर रहे थे।